लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ताज्जुब हुआ ना मुझे जिंदा देखकर, देखा गया ना मैं, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैं अपने बीबी से बात कर रहा हूं, आपको कोई एतराज? प्लीज प्लीज अपना काम कीजिए प्लीज। क्यों परेशान हो बाबा, क्यों परेशान? ओके ओके ओके, आई एम स्ट्रेंजर टू यू। ओके देखो, मैं अपने साथ किसको लाया हूं, प्लीज कम प्लीज। देखो कौन है, देखो देखो, कहो कि ये तुम्हारे पापा नहीं है। मेरे पापा? हाँ, और कहो ये तुम्हारी मधु नहीं है। अब कहिए ये मधु नहीं है। हाँ ये मधु नहीं है। कैसे बाप हैं आप, अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं? मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं इन्हें नहीं जानती हूँ, ये मेरे पापा नहीं है। आप जानते आप किससे बात कर रहे हैं? मैं मिसेस सूरज हूँ। मधु माफ करना, माफ करना बेटी, इन्हें गलतफहमी हो गई। नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप दोनों मिले हुए हैं, मुझसे धोखा कर रहे हैं, ये मधु है। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा बेटे? क्या मैं अपनी बेटी को पहचानूंगा नहीं? उसे जिंदा पाकर खुशी से पागल नहीं हो जाऊंगा? पूछ लो इन्हीं से। लेकिन ये मधु है, आप झूठ बोल रहे हैं, ये मधु है। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? रवि अंदर कोई है? अरे भाभी भैया होंगे। सूरज इस वक्त? हाँ आज हम लोग ऑफिस से जल्दी आ गए ना। ओह कम ऑन। सूरज क्या बात है? हाँ क्या बात है, क्या हुआ? वो जिंदा है। कौन जिंदा है? विश्वनाथ। थैंक गॉड। पर कहां देखा तुमने उसे? डिपार्टमेंटल स्टोर में उसे मुझे रोकने की कोशिश की, मेरा पीछा भी किया, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं मैं उसे। ये आप लोग किसकी बात कर रहे हो? वो मैं बाद में बताता हूँ, तुम डरो मत, ये हमारा शहर है, यहाँ हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं भी आज अंकल से जाकर बात करता हूँ, लगता है उसे पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। तुम घर से बाहर मत निकलना, ओके? डोंट वरी रवि, चल। जी डोंट वरी।
हेलो हेलो मधु, मैं बोल रहा हूँ। सुनो 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 मधु, मधु मधु मेरी बात सुने बगैर फोन मत रखना। मधु, आज तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे मालूम है मुझसे छुटकारा पाने के लिए ये की हुई साजिश है। मैं तुम्हारे पिताजी की जुबान नहीं आंखें पढ़ रहा था, वो झूठ बोल रहे थे। तुम मधु हो। मैं मधु नहीं हूँ, मैं मधु नहीं हूँ। आखिर कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? For God's sake, leave me alone। तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। आखिर क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? हेलो हेलो, क्या हुआ? अभी क्या हुआ? वो यहाँ आया था। यहाँ आया था? खिड़की बाहर मैंने देखा, वो मुझे फोन भी किया था। रवि जी, तुम्हारी जंगल को फोन करो, फौरन फौरन फोन करो। डोंट वरी, डोंट वरी, कम ऑन कम ऑन, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। कम ऑन, डोंट वरी बोला ना मैंने, कुछ नहीं होगा। हेलो अंकल, मैं रवि बोल रहा हूँ। हाँ बोलो रवि। अंकल वो यहीं कहीं है, भाभी ने उसे घर के बाहर देखा। क्या? उसने फोन भी किया था। रवि डोंट वरी, वो दोबारा फोन जरूर करेगा और हम उसकी कॉल टैप कर लेंगे। ओके? जी सर। क्या कहा? अंकल ने कहा है कि अगर वो दोबारा फोन करेगा तो वो उसकी कॉल ट्रेस कर लेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। If I get that, I'm gonna kill him. नहीं रवि, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, he's a dangerous man. ओह कम ऑन भैया, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चुप रहो, हमें सिर्फ उसके फोन का इंतजार करना है बस। ओके? सो टेक इट इजी बॉय। ओके? ओके। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डोंट वरी कुछ नहीं होगा। हेलो मधु, उसी का फोन है, उसे बातों में लगाओ। रवि आज अंकल को फोन करो फौरन। ओके। मधु अब तक थकी नहीं इस आंख में चोली के खेल से? कब तक मुझसे दूर भागती रहोगी? कहां तक भागोगी? हेलो अंकल, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो रवि। वो इस वक्त फोन पर है। ओके। दुनिया बहुत छोटी है मधु, यहां कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम मुझसे छुप सको। उसे बात करते रहो, बात करते रहो उसे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपको गलत फहमी हुई है। हजार बार कह चुके मैं मधु नहीं हूँ, मैं मधु नहीं हूँ। फिर वही गलत फहमी की बातें, वही इनकार। मधु तुम समझती क्यों नहीं, मैं वो विश्वनाथ नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर मिनट। देखिए, अगर आपकी बीवी खो गई है तो आप पुलिस पे रिपोर्ट कीजिए। हमें क्यों तंग करते हैं आप? क्यों? मैंने तुमसे माफी भी मांग ली है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। सर कॉल टैप हो गया। राइट सर। अंकल यहाँ आ रहे, वो आपको साथ लेके जाएंगे। कॉल ट्रेस हो गई है, सेंटर होटल। गुड, कम ऑन, कीप टॉकिंग। मधु मधु। सूरज, अब और बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज। डोंट वरी, समझो पकड़ा गया। डोंट वरी। अरे अब जल्दी करो, जिंदे। यस सर। पोर्टर को चारों तरफ से घेर लो। यस सर। जल्दी हटो। We'll be right back.
एक्सक्यूज मी, मुझे होटल की तलाशी लेनी है। ओके। देखिए, मैं बॉम्बे पुलिस से आया हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले 881367 पर एक फोन आया था आप ही के होटल से। मुझे जरा उनको बुलाइए। ओके सर। सर यस, आपको बुला रहे हैं। फरमाइए। शायद आप मेरी तलाश में यहाँ आए हैं। आपकी? जी, मैं विश्वनाथ जी। हाँ, जिसका फोन आपने ट्रेस किया है। चलिए, बिल 304 पे ट्रांसफर कीजिए। सर, मिस्टर विश्वनाथ। हेलो, सिट डाउन। थैंक यू। मालूम है आपको क्यों अरेस्ट किया गया है? अरेस्ट किया नहीं, मैंने अपने आप को अरेस्ट करवाया है। जानबूझकर मैंने होटल से फोन किया था ताकि आप मुझे ट्रेस करें और मैं इनसे मिल सकूं। क्यों क्यों मिलना चाहते हैं? क्या नया सुनाना चाहते हैं मुझे? अंकल, आप तो जानते हैं इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या क्या किया है इन्होंने हमारे साथ? हम वो शहर छोड़कर यहां आ गए तो यहां पीछा करता हुआ आ गया। आप इन्हें अच्छी तरह समझा दो अंकल, अगर इन्होंने शुभांगी को दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो अकेले अंकल। इसके पहले आपने किसी को जान से मारा है? मैंने मारा है। आप एक बार फिर कोशिश करके देखिए। देखो बेटे, ऐसा नहीं कहते, शांत हो जाओ। आप क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हैं? आपको मालूम है आप पर हैरेसमेंट का केस बन सकता है और इन पर बीच ऑफ ट्रस्ट का केस बन सकता है, लेकिन आप इनके अंकल हैं इसलिए फेवर कर रहे हैं। मुझे अरेस्ट करने के बजाय इनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक शादीशुदा औरत से शादी की है जो कानूनन मेरी बीवी है। Stop it! अगर आपने मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं अपनी बीवी के बारे में बोल रहा हूँ जिसे आप अपनी समझ रहे हैं। कमिश्नर साहब, मैं इनको इतने सबूत दे चुका हूँ, आप भी वो सबूत देख सकते हैं जब चाहे तब। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसे ये शुभांगी कह रहे हैं वो मेरी मधु है। बेटे, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो तुम्हारी मधु नहीं, हमारी बहू है। हम तुम्हें क्यों धोखा देने लगे? हम भी तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं। नहीं, आप मेरे माँ बाप की तरह नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। कितना ख्याल रखते हैं अपने लड़के का। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मुझे, इनसे भी कोई शिकायत नहीं। ये क्या करे, सच्चाई का इन्हें पता ही नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता मधु ने आप सब लोगों को अंधेरे में क्यों रखा। मधु मधु मधु, इस आदमी के दिमाग पर फितूर है, ये आदमी पागल हो गया। अरे भाई, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि शुभांगी मेरी पत्नी है, आपकी मधु नहीं। हजारों लोगों के सामने अग्नि को साक्षी मानकर हम लोगों ने शादी की है। उसी अग्नि को साक्षी मानकर आपसे पहले मैंने मधु से शादी की है। ये कोर्ट में मैं साबित भी कर सकता हूँ कि वो मेरी बीवी है। मेरे पास और भी सबूत है जिन्हें आप काट नहीं सकते। सोच लीजिए, आपको सजा भी हो सकती है। आप मुझे अदालत में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। He's right. I am also right. आप अगर मुझे हिरासत में लेना चाहते हैं तो मैं अपने लॉयर को बुला लूं। नहीं, आप जा सकते हैं। आपको जो कुछ करना है कोर्ट में कीजिए, लेकिन इन लोगों को आइंदा परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं सेंटर होटल के 304 नंबर के स्वीट में हूं, आप जब चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर कमिश्नर, डोंट बी पार्शियल। कोर्ट में जाने की धमकी देता है कमबख्त। और कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो कोर्ट कचहरी के नाम से ही डर लगता है। इसमें डरना क्या है? हमने किया क्या है? जो भी किया उसने किया है, जाने दो उसे कोर्ट में। बेकार हमारी बदनामी होगी, मीडिया को उछालने के लिए एक और मौका मिल जाएगा और फिर हमारी इज्जत। हमारी इज्जत इतनी गई गुजरी नहीं है पापा, क्या किसी सरफिरे के कीचड़ उछालने से मैली हो जाए? और क्या, अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करेंगे। आखिर तो यही साबित होने वाला है ना कि शुभांगी हमारी बहू है। बिल्कुल माँ, भाभी उस पागल की मधु नहीं है। Thank you.
मधु, हेलो बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सांसें पहचानता हूं। मेरे पास वापस आने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बी प्रैक्टिकल मधु, मैं कोर्ट कचहरी जाना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट लीगल हैसल्स। अगर तुमने मजबूर किया तो वो भी करना पड़ेगा। अदालत में कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दाहिनी जांघ पर तिल है, फिर लेडीज कांस्टेबल तुम्हें अलग कमरे में ले जाएगी, एक एक करके तुम्हारे कपड़े उतारेगी और वो निशान देखेगी, फिर मैजिस्ट्रेट से कहेगी कि मेरा बयान सच है। तुम्हारी बदनामी मेरी बदनामी, सूरज तो दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। पुअर चैप, सोचो मधु, ये सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। देखो विश्वनाथ, मैं हार गई हूं, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं, लेकिन लेकिन क्या? तुम सूरज को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊं? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि मुझे अफसोस है। सूरज को यह जानकर कितना दुख होगा कि तुम शुभांगी नहीं मधु हो। सूरज को तुम्हारी झूठी तसल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी विश्वनाथ। तुमने उन्हें नहीं जाना, लेकिन मैंने जाना है। कितना बड़ा दिल है उनका, उस दिल में सबके लिए कितना प्यार है। और मेरे लिए उस प्यार की गहराई का अंदाजा मैं भी नहीं लगा सकती। मेरी एक मुस्कान से खेल उठते हैं वो, मेरे चेहरे पे उदासी की छाया बेचैन कर देती है उनको। विश्वनाथ, उस आदमी की इंसानियत का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उनके दिल में तुम्हारे लिए भी हमदर्दी है। सच, क्या कुछ नहीं दिया सूरज ने मुझे? प्यार, मोहब्बत, घर, परिवार, और तुमने सिर्फ छीना ही छीना है। तुम तो मेरे लिए मर चुकी हो विश्वनाथ, लेकिन सूरज मेरे बगैर जी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी आऊंगी, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि लोग उन पर उंगलियां उठाएं, उनकी बेइज्जती हो। सिर्फ इसीलिए आऊंगी मैं, सिर्फ इसीलिए। तुम्हारे लिए तो मैं एक सुंदर शरीर से ज्यादा कुछ थी ही नहीं, और अब भी तुम्हें मेरे शरीर के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। बाकी मेरा सब कुछ सूरज के पास रह जाएगा। अब तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे आना कहां है। 7:30 की फ्लाइट है, 6 बजे एयरपोर्ट। पहुंच जाऊंगी। नहीं आओगी तो तुम्हें मालूम है मैं क्या कर सकता हूं। मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारी शादी हो गई है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही?
मेरे हिस्से का सुख तो तुमने मुझे दे दिया, लेकिन मेरे हिस्से का दुख तो तुमने अपने पास ही रख लिया। बेईमानी है ना? किस दुख की बात कर रहे हो तुम? यही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। अगर कुछ कमी रहेगी तो बता दो, मैं उसे भी पूरा कर दूंगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरा प्यार किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। जो दिल में है बता दो, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, शायद तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। नहीं सूरज, आज मैं पिताजी की दी हुई कसम तोड़ दूंगी, तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। मुझे मरना पसंद है सूरज, लेकिन तुम्हारा विश्वास खोना नहीं। मैं ही मधु हूं। अपने दिल का बोझ हल्का कर लो, बोलो। पिताजी विश्वनाथ के सामने घेर सकते थे, एक दिन में उन्हें करोड़ों का नुकसान हो गया। विश्वनाथ ने सब कुछ नीलाम करने का कोर्ट ऑर्डर भेजा, उसने पिताजी से कहा कि अगर मैं शादी करने के लिए हां कर दूं तो वो नीलामी से बच जाएंगे। पिताजी ने ना कर दी, मगर मैंने उनकी मान मर्यादा रखने के लिए हां कर दी। विश्वनाथ बहुत पॉजिटिव है, उस हवा से भी नफरत करता है जो मुझे छूकर गुजरी हो। मैं उसके अत्याचारों से तंग आ गई थी, एक दिन इतनी आसानी से मर नहीं सकते। मैं सच कह रही बाबा, हम आज तेज ड्राइव करते हुए जा रहे थे,
पानी में गिर गए, पानी से बाहर निकल के पाँव टूटा, वो कहीं नहीं, वो डूब गया, वो डूब गया। बस बेटा बस, चुप हो जा। देख जो हुआ सो हुआ, शायद अच्छा ही हुआ। हालात ने तुझे एक मौका और दिया बेटा। बेटा तू तो अभी बच्ची है, तेरे सामने तेरी सारी जिंदगी पड़ी है। विश्वनाथ के चले जाने से तेरी जिंदगी रुक तो नहीं जानी चाहिए ना। तुझे तो बेटा अभी और जीना है। हाँ हाँ बेटा, यही मौका है उससे छुटकारा पाने का। अगर वो बच भी गया तो वापस तुझे उसी नरक में ले जाएगा। उसे यही समझने दे कि मधु मर चुकी है, भूल जा कि कभी तेरी शादी हुई थी, ये तक भूल जा कि मैं तेरा बाप हूं। बेटा आज तक जो भी हुआ उसे डरावने सपने की तरह भुला दे। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं बेटा, उठ उठ, ठीक कह रहा हूं मैं। अब तुझे अपनी दूसरी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। समझ ले कि विश्वनाथ के साथ मधु भी मर गई, तेरा तेरा नया जन्म हुआ आज। मैं तुझे नया नाम दूंगा, शुभांगी। हाँ बेटा, बेटा तू तू इंडिया चली जा अपने चाचा के पास। यहां रहेगी तो मधु शुभांगी का पीछा करती रहेगी, इसलिए मधु के अतीत को दफन कर दे हमेशा हमेशा के लिए। बंबई जाकर कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपना घर बसा लेना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। मैं शुभांगी के उजले भविष्य के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। लेकिन बेटी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कभी कुछ मत बताना, किसी को भी नहीं बताना, तुझे कसम है। मैं समझती थी कि विश्वनाथ मर चुका है, सब कुछ भुलाकर मैं एक नई जिंदगी जीना चाहती थी। वहां से निकलकर मैं यहां बॉम्बे चाचा के पास आई और शुभांगी बनकर एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी कि तो मेरे जिंदगी में आए, तुम्हारे बाहों में पता चला प्यार क्या होता है और जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। कई बार दिमाग आया कि तुम्हें असलियत बता दूं, लेकिन पापा को दी हुई कसम और मेरी खुदगर्जी मुझे रोकती रही। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। विश्वनाथ बच गया है और ग्रहण बनके मेरी जिंदगी के साथ साथ तुम्हारे जिंदगी में भी लगने लगा है। आज जब उसका फोन आया तो सब सुन चुका हूं। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, ये तुम पहले भी बता देती, तुम्हें मैं तुमसे इतना ही प्यार करता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है शुभांगी, शायद मुझसे ज्यादा। अगर तुम उसके पास जाना चाहती हो तो मैं जा भी रही थी तो सिर्फ मरने, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं भी तो नहीं जी सकूंगा सूरज। मैंने जैसा कहा वैसे ही कर दो। This flight is delayed by 3 hours.
मुझे मालूम था तुम आओगी। वो तो आना ही था। तुम मुझे मारना चाहती हो? कमान होल्ड इट प्रॉपरली। कैसे पकड़िए गन? नॉट लाइक दिस, होल्ड इट लाइक दिस। ऐसे पकड़ो एंड शूट मी हियर और हियर। कमान शूट मी। यू वॉन्ट टू शूट मी? यू वॉन्ट टू शूट मी? यू वॉन्ट टू किल मी? इडियट। ना तो मेरी रही ना तुम्हारी। यू वॉन्ट टू किल मी? किल मी, कम ऑन, किल मी। अगर जान से मारना है तो यहां मारो, यहां, यहां नहीं। Hit me here. Come on. मेरी तरफ से फूल चढ़ा देना उस पर। थैंक यू अंकल। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। थैंक यू। थैंक्स की कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। आपकी नकली गोलियों वाला आइडिया वाकई काम कर गया। उसे तो सचमुच लग रहा है कि उसने मधु को मार डाला। क्या करें, ऐसे लोगों को इसी तरह हैंडल करना पड़ता है। बेटी, ये हमारे प्लान की आखिरी कड़ी है। अगर तुम्हें जिंदा देखकर भी वो ये समझता है कि तुम मधु नहीं हो, तो समझ लो ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। हाँ, मैंने तो उसे मार दिया। सॉरी मैम, सॉरी। सूरज, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम सिर्फ मेरी शुभांगी हो, उसकी मधु मर चुकी है। इंस्पेक्टर, पहले मैं आर्मी में था, मुझे असली और नकली गोली की पहचान है। लोग समझते कि मैं पागल हूं। उसे यकीन हो चुका है कि उसकी मधु मर चुकी है, अब वो तुम्हें कभी नहीं सताएगा। अगर शुभांगी जिंदा है, मधु मर चुकी है, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? हाय। डोंट मूव। क्या पागल समझते हैं आप मुझे? कितना बचकाना खेल खेला आपने मुझसे, किस लिए? मुझसे छुटकारा पाने के लिए? यह नकली नहीं है। जिंदगी में हर वक्त सब कुछ खोते आया हूं मैं, बचपन से लेकर आज तक। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरा गुनाह था। मेरी मां ने दूसरी शादी कर ली, मेरा गुनाह था। मेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली, मेरा गुनाह था। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। मारना ही है तो मुझे मारो। नहीं शुभांगी,
शुभांगी, यस शुभांगी, मैं आपको मारूंगा तो ये जी नहीं सकेंगे, मैं इनको मारूंगा तो आप जी नहीं सकेंगी, और मैं मधु के बिना जी नहीं सकता, लेकिन वो तो मर चुकी है।